गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रीति अमिटा, एसोसिएट प्रोफेसर, SGG गवर्नमेंट कॉलेज, BSc सेकेंड ईयर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह सिक्स्थ वीडियो है, सिक्स्थ आपके ई कंटेंट है, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे है। इनऑर्गेनिक फर्स्ट पेपर होता है आपका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सिक्स्थ वीडियो, जिसके अंदर कीलेट्स और कीलेट इफेक्ट के बारे में बताया जाएगा। लास्ट फिफ्थ में आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसकी कमियां, उसके बारे में बताया गया था। नाउ व्हाट आर कीलेट एंड कीलेट इफेक्ट्स, इसको समझने के लिए पहले अपन देख लेते हैं कीलेट क्या होता है, फिर अपन कीलेट प्रभाव को समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कीलेट? जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो धातु आयन के उपयुक्त रिक्त कक्षा, उसका आकार छोटा होना, उसका आवेश अधिक होना, EEN नियम का पालन करना, CFSC के उच्च मान, ये सारे अनुकूल कारक हैं जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, किसी भी कंपाउंड को बनाते हैं। एक और अन्य कारक है जो कि बहुत ज़्यादा उसके स्थायित्व को वृद्धि करता है, बढ़ाता है, जिसको अपन कहते हैं कीलेशन या कीलेटीकरण। इस कारक को पढ़ने से पहले अपन ये जान लेते हैं कीलेट्स क्या होते हैं। यदि किसी लिगेंड में एक ही दाता परमाणु है, दाता परमाणु क्या होता है, जिसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा हो, एकाकी युग्म हो। यदि उसके पास एक ही दाता परमाणु है तो धातु आयन के साथ उपसंयोजक बंध बनाने में प्रयुक्त होता है, और ये मोनोडेंटेट या एक दंतुक लिगेंड कहलाता है। यदि लिगेंड के एक ही परमाणु में दाता परमाणु दो हों तथा दोनों परमाणु धातु आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उस लिगेंड को द्विदंतुक कहते हैं। जब ये द्विदंतुक लिगेंड धातु आयन के साथ स्थायी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर संकुल बनाते हैं तो 5 या 6 अवयवी रिंग बन जाती है, वलय बन जाती है। यह वलय कीलेट वलय कहलाती है। ये बन के गई। अब इसमें एक पॉइंट यहाँ समझने का है कि यदि किसी लिगेंड के पास दो दाता परमाणु हों लेकिन दोनों एक साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं, पहले आपने पढ़ा है NCS या SCN, इसमें दो दाता परमाणु जरूर हैं पर कभी एक बार नाइट्रोजन जुड़ेगा और एक ही बॉन्ड या फिर सल्फर बनाएगा, या तो नाइट्रोजन बनाएगा या सल्फर, उनको अपन कहते हैं उभय दंती लिगेंड। लेकिन यहाँ पर दाता परमाणु दो हैं और दोनों एक साथ बॉन्ड बना करके रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये कहलाते हैं कीलेट्स। जब भी रिंग फॉर्मेशन होती है जिसमें मेटल आयन का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ऐसी रिंग जिसमें मेटल आयन बाकी दूसरे सारे लिगेंड के हों, उनको अपन क्या कहते हैं, कीलेट कहलाते हैं। ऐसे संकुलों को कीलेट्स कहते हैं। ये एक यूनानी वर्ड है जो कि जैसे इसका मीनिंग CHELOS के लोस से मिलकर के बना है, इसका मीनिंग होता है क्रैब का जो क्लो होता है, यानी केकड़े का जो पंजा होता है, इसका मीनिंग ये होता है। जैसे केकड़ा अपने पंजे से किसी चीज़ को जकड़ लेता है, उसी प्रकार ये लिगेंड्स भी अपने इस तरह से 2 या 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा मेटल आयन को ग्रिप कर लेते हैं। इस तरह से ये ग्रिपिंग जो होती है वो काफ़ी टाइट होती है, एक ग्रिप दूसरी ग्रिप को हेल्प करती है। अतः कीलेट प्रभाव जो है वो बहुत फेवरेबल माना गया है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। त्रिदंती भी होते हैं, चतुर्दंती लिगेंड भी होते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड भी होते हैं। इस तरह से डिफरेंट, जितने उसमें दाता परमाणु हैं उतना ही डेंटेट उसके आगे लगा दिया जाता है। इथिलीन डायएमीन एक द्विदंती लिगेंड है, पीछे इस पेज पर आप देखिए, इथिलीन डायएमीन कॉपर आयन के साथ दोनों नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इस तरह से यह दो उपसंयोजक बंध बना रहा है। इस संकुल को कॉपर कीलेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 अवयवी वलय का निर्माण होता है। ऐसी वलय संरचनाएं कीलेट कहलाती हैं। कीलेट संकुल का स्थायित्व ऐसे ही एक दंती लिगेंड से निर्मित संकुलों के स्थायित्व की अपेक्षा अधिक होता है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि
एनोलॉगस क्या कहलाते हैं, वैसे ही एक दंती का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि कॉपर के साथ है, यहाँ कोबाल्ट का एग्जांपल अपन लेते हैं, हेक्सामीन कोबाल्ट 3+ संकुल की अपेक्षा इसमें यदि इसी का एनोलॉगस यानी कि इसी का समतुल्य ट्रिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3+ कंपाउंड लेते हैं, इन दोनों में से ट्रिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट ज़्यादा स्टेबल होगा हेक्सामीन कोबाल्ट की बजाय, क्योंकि ट्रिस इथिलीन डायमीन में कीलेट वलय बन रही है, दोनों में 6-6 नाइट्रोजन जुड़ रहे हैं कोबाल्ट के साथ, लेकिन ऊपर वाले में 6 एमीन ग्रुप अलग अलग हैं 6, और नीचे वाले में ट्रिस इथिलीन डायमीन यानी कि एक इथिलीन डायमीन दो नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके रिंग बना रहा है, जिसमें प्रत्येक इथिलीन डायमीन अणु के दो नाइट्रोजन परमाणु कोबाल्ट प्लस 3 धातु आयन के साथ जुड़े हुए हैं। अतः जब कोबाल्ट हेक्सामीन को कोबाल्ट में से एक लिगेंड हटाना हो तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तोड़ना पड़ेगा, परंतु कीलेट संकुल में यदि हटाना हो तो कम से कम दो तोड़ने पड़ेंगे, तब जा कर के उसको अपन एक लिगेंड उसमें से अलग कर पाएंगे। अतः कीलेट संकुल के विघटन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसी कारण कीलेट जो होते हैं वो साधारणतया अधिक स्थायी माने जाते हैं। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखो आप ग्लाइसिन में NH2CH2COO तो दो हो गए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इस तरह से 1, 2, 3, 4 और एक मेटल आयन 5 मेंबर्ड रिंग बन जाती है। इसमें देखिए फिनेन्थ्रीन 110 फिनेन्थ्रीलिन 3 बेंजीन रिंग है, तीनों बेंजीन रिंग में से दो नाइट्रोजन इस तरह से जुड़ जाएंगे मेटल आयन के साथ। ऑक्सीलेट आयन 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन एसिटाइल एसीटोन डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिन 2-2 डाई पेरिडिल ऑर्थोफेनिलिन बेस डाईमिथाइल अमीन आर्सिन। इसमें आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं, इन स्ट्रक्चर्स को आप पेपर पे बना करके याद कर लीजिए, स्ट्रक्चर अच्छी तरह से याद होने चाहिए ताकि कोई भी फार्मूला लिखना हो तो आप इजीली लिख सकें। यदि आप कोई अपने क्वेश्चन पेपर में आपके कोई क्वेश्चन आता है उसके अंदर यदि आप इस तरह से एग्जाम्पल दे देते हैं लिखने के साथ साथ, तो आपके मार्क्स हमेशा बढ़ जाते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ केमिस्ट्री, इट्स नॉट अ ओनली दिस लिटरेचर पार्ट, इसमें आपको केमिकल फार्मूले केमिकल स्ट्रक्चर्स लिखना बहुत ज़रूरी है। आपने कीलेट के लिए खाली ये थियोरिटिकल पार्ट लिख दिया, एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया सपोज़, तो आपके नंबर उतने नहीं आएंगे जितने कि आप इस पार्ट को थोड़ा शॉर्ट में लिख दो और एग्जाम्पल दो दे दो, उसमें आपके नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। इस तरह से फॉर्मूलों को आप अच्छी तरह से पेपर पे ड्रॉ करके और याद कर लीजिए, फॉर्मूले लिखना बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन में केमिस्ट्री में। नाउ अब देखिए आप नेक्स्ट पेज पे क्या है, कीलेट बनने में लिगेंड में सभी दाता परमाणु कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आप एक ग्लाइसिन देखिए, नीचे एग्जांपल पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, ग्लाइसिन में ये बाइडेंटेट लिगेंड है, परंतु इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड केवल नाइट्रोजन से बन रहा है। दूसरा अम्लीय समूह है जो धातु आयन के साथ सॉल्ट लाइक बॉन्ड बनाता है, लवण समान यानी जिसको एकल रेखा के द्वारा शो किया जाता है, उपसह संयोजक बंद को तीर के द्वारा दिखाया जाता है। तो डाइग्लाइसिन कॉपर कीलेट संकुल की संरचना नीचे देखो, दोनों तरफ ग्लाइसिन के हैं, दोनों नाइट्रोजन तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों ऑक्सीजन सिंपल लाइन से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि संकुल में बने बंधों के इनमें प्रकृति में अंतर है, नेचर अलग अलग है, पर ऐसा नहीं है, इसका नेचर जो है वो बिल्कुल सेम है। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो चारों बॉन्ड एक ही प्रकार से बिहेव करते हैं, अतः कीलेट में जितने भी बॉन्ड मेटल आयन के साथ लिगेंड के बन रहे हैं वो एक ही प्रकार से बिहेव करेंगे। अब देखिए कीलेट प्रभाव क्या होता है, जिन संकुलों में कीलेट वलय बनती है उनका स्थायित्व, जिन संकुलों में कीलेट वलय बनती है उनका स्थायित्व जो होता है अधिक हो जाता है। कीलेट वलय बनने से संकुल के स्थायित्व की वृद्धि को ही कीलेट प्रभाव कहते हैं, कि
लेट इफेक्ट क्या होता है, स्टेबिलिटी में जो बढ़ोतरी हो रही है, स्थायित्व जो बढ़ रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं कि लेट प्रभाव। दूसरे शब्दों में यूँ कहा जा सकता है कि बाई बहुदंती लिगेंडों द्वारा जो संकुल का स्थायित्व एक दंती लिगेंडों के निर्मित संकुलों से अधिक होता है, वही ज़्यादा किलेट इफेक्ट होता है। जैसे निकल प्लस टू धातु आयन में देखते हैं कि किलेट संकुल और साधारण संकुल के स्थायित्व स्थिरांक के मान से स्पष्ट है कि ट्रिस इथिलीन डाइएमिन निकल किलेट संकुल है, इसके तुल्य सादृश्य सामान्य संकुल हेक्सामिन निकल से अधिक होता है। ये देखो पहली रिएक्शन में क्या दिखाया गया है, हेक्सा एक्वो निकल, इसने 6 एमिन के साथ रिएक्शन किया है तो हेक्सा एमिन निकल हो गया और 6 फोटोर हो गया, लॉग बीटा की वैल्यू हो गई 7.99। इसी तरह हेक्सा एक्वो इथिलीन डायमिन के साथ 3 मॉलिक्यूल के साथ किया तो ट्रिस इथिलीन डायमिन निकल बन गया, 6 फोटो मॉलिक्यूल निकले हैं, इसका लॉग भी कितना हो गया 18.1। अब अपन थोड़ा सा स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट का कंपेरिजन करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। अमोनिया एक दंती है, इथिलीन डायमिन बाइडेंटेट है, इथिलीन डायमिन द्वारा निर्मित वलय संकुल में वलय बनेगी, अमोनिया लिगेंड द्वारा कोई वलय नहीं बनती है। इसको निम्नलिखित संकुलों के स्थायित्व को नीचे इस किस तरह से होता है बता रखा है, टेट्रा एमिन कॉपर सबसे कम, बिस इथिलीन डाई एमिन कॉपर उससे ज़्यादा, और ये ट्राई इथिलीन टेट्रा एमिन उससे भी ज़्यादा। इनके स्थायित्व स्थिरांक कितने हैं, 12.7, 19.7, 20.5 है। किलेट प्रभाव को समझने के लिए निम्नलिखित ऊष्मागतिकी की इक्वेशन काम आती है, इसको बोलते हैं डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एच टी क्यू माइनस टी डेल्टा एस डिग्री। डेल्टा एच जो है यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव का क्या मतलब होता है, एनर्जी यहाँ पे निकल रही है, वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन क्या है, एनर्जी निकलने को किससे शो करते हैं, ऋणात्मक साइन से। डेल्टा जी मानक मुक्त ऊर्जा, आर इज इक्वल टू गैस स्थिरांक, टी इज इक्वल टू परम ताप, डेल्टा एच डिग्री मानक एंथैल्पी परिवर्तन और डेल्टा एस मानक एंट्रोपी परिवर्तन। अब अमोनिया और इथिलीन डाइएमिन दोनों में गिवन जो देने वाले डोनर्स हैं वो नाइट्रोजन है, धातु आयन के साथ बनने वाले बंधों बंध दोनों लिगंडों में समान होंगे। टेट्रा अमीन कॉपर बिस इथिलीन डाइएमिन कॉपर के स्थिर विद्युत आकर्षण तो समान है और किलेट संकुल और अकिलेट संकुल के बीच एंथैल्पी परिवर्तन अंतर बहुत कम है। ये देखो नीचे दे रखा है, दोनों में कैडमियम कैडमियम लिया हुआ है, CH3NH2 के 4 मॉलिक्यूल लिए हैं तो क्या बन गया, ये इथिलीन डाइएमिन CD 4 मॉलिक्यूल। इसी तरह कैडमियम के में ये ले लिया अपन ने, इथिलीन डाइएमिन जुड़ गया बिस इथिलीन डाइएमिन, और ये ऊपर वाला मिथाइल एमिन के 4 मॉलिक्यूल जुड़ गए जबकि यहाँ इथाइल एमिन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें लॉग बीटा कितना है, ऊपर वाले में 6.52, नीचे वाले में 10.6 है। अब डेल्टा एच का मान टेबल में आप देखिए अच्छी तरह से, ऊपर डेल्टा एच का मान दोनों संकुलों के लिए लगभग समान है, अतः किलेट संकुल अधिक स्थायी समझने के लिए अपन डेल्टा एच को कंसिडर नहीं करेंगे, किसको करेंगे, डेल्टा एस को, जो कि क्या कहलाती है, एंट्रोपी परिवर्तन। डेल्टा एस इज इक्वल टू एंट्रोपी परिवर्तन, उसको अपन आधार मानेंगे। डेल्टा जी के अधिक ऋणात्मक होने पर लॉग बीटा के मान में वृद्धि होगी। डेल्टा जी अधिक ऋणात्मक तभी हो सकता है जब डेल्टा एच अधिक ऋणात्मक हो तथा डेल्टा एस अधिक धनात्मक हो। डेल्टा एच अधिक ऋणात्मक और डेल्टा एस अधिक धनात्मक, ये दो कंडीशंस होंगी तब इसमें डेल्टा जो जी है ये अधिक ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा एच के मान लगभग दोनों में समान है, डेल्टा एस आपको दिख ही रहा है कि अधिक धनात्मक मान किस में, नीचे वाले कंपाउंड में इथिलीन डाइएमिन वाले में, डेल्टा जी के अधिक ऋणात्मक होने के लिए सहायक होंगे, अतः डेल्टा जी का अधिक ऋणात्मक होना संकुल के निर्माण को के स्थायित्व को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, अपन किस चीज़ को कंसीडर करेंगे यहाँ पे, डेल्टा जी। ऊपर इक्वेशन में भी पीछे आपने देखा था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू पूरा फॉर्मूला था, तो डेल्टा जी को ही अपन कंसीडर करेंगे। किलेट संकुल अकिलेट संकुल की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, थर्मोडायनेमिक के जो रूल्स हैं
उनके अनुसार जितनी ऊष्मा निकलती यानी कि डेल्टा एच अधिक ऋणात्मक हो तो डेल्टा एस बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा डेल्टा एच माइनस में जाएगा उतना ज़्यादा डेल्टा एस बढ़ेगा। डेल्टा एस एच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एस, या मुक्त ऊर्जा में कमी डेल्टा जी नेगेटिव होती चली जाएगी। जितना डेल्टा जी नेगेटिव होगी इट मीन्स उसमें उतनी ही ऊर्जा निकलेगी, उस अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद अधिक स्थायी होगा। डेल्टा जी जितना कम उतना ज़्यादा स्टेबल, ऐसे माना जाए। किसी तंत्र की एंट्रोपी, एंट्रोपी मतलब क्या था, डेल्टा एस, उस तंत्र की अव्यवस्था का नाम। एंट्रोपी क्या होता है कि वो सिस्टम जो है वो कितना अव्यवस्थित है, उसको कितना जल्दी तोड़ा जा सकता है, डिस्टर्ब किया जा सकता है। इथिलीन डाईएमीन कैडमियम के साथ हीलेट निर्माण में डेल्टा एस इज इक्वल टू प्लस 14 था, जबकि अकीलेट संकुल में -67.3 है। किलेट संकुल अधिक स्थायी हो गया अपने आप। ये किलेट संकुल निर्माण में एंट्रोपी में वृद्धि का कारण यह है कि जब अभी ऐसी वृद्धि क्यों हुई है, क्यों इतने वैल्यूज़ में चेंज आया है, उसके लिए रीज़न देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका रीज़न क्या है कि ये नीचे एक दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, आप देखिए। इथिलीन डाईएमीन बाइडेंटेट की जलयोजित संकुल आयन के साथ यदि क्रिया कराते हैं तो एथिलीन डाईएमीन का एक अणु जल के दो अणुओं को विस्थापित करेगा। इथिलीन डाईएमीन का एक अणु ले लिया, जल के दो मॉलिक्यूल निकल रहे हैं इसमें। इस अभिक्रिया में तंत्र में कणों की संख्या क्या हो गई, दो थे, प्रोडक्ट में आप देखो तीन है, एक मेटल कॉम्प्लेक्स है और दो वाटर मॉलिक्यूल है। इसी तरह से नीचे वाला आप देखिए, अमोनिया के साथ यदि क्रिया करवा रहे हैं, अमोनिया के साथ जब करवाते हैं तो जल कणों की संख्या में कंपेयर करिए, मेटल कॉम्प्लेक्स दो अमोनिया, इधर मेटल कॉम्प्लेक्स और दो वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि कणों की संख्या दोनों तरफ कितनी है, तीन है। एक तरफ तो दो से तीन हो रही है इथिलीन डाईएमीन में, जबकि हेक्साएमीन में अमोनिया, हेक्साएमीन जब बनता है तो तीन तीन रहती हैं दोनों तरफ। हेक्साएमीन मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल को हटा के केवल दो एमीन जुड़े, यानी कि तीन मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया और तीन ही बने, ऊपर वाले में दो ने पार्टिसिपेट किया तीन बने। इस प्रक्रम में एंट्रोपी में वृद्धि नहीं हो रही, कणों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, अतः इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एक्वो मेटल संकुल बनने की प्रक्रिया में डाईएमीन टेट्रा एक्वो मेटल आयन बनने की अपेक्षा अधिक होगी। इस प्रकार ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड द्वारा कीलेट संकुलों के स्थायित्व को समझा जा सकता है। अभी EDTA एक एग्जांपल है, इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड, इसका सोडियम सॉल्ट, ये एक षटदंती लिगेंड है, यह अधिकतम स्थायी कीलेटों का निर्माण करता है। अब किलेट संकुल की अपेक्षाकृत स्थायित्व को समझने के लिए सिजविक ने थ्योरेटिकल पूरा दिया, ये तो आपने देख लिया पूरा थर्मोडायनेमिकली। अब कि सिजविक ने क्या कहा है, उसके आधार पर बाइडेंटेड लिगेंड द्वारा निर्मित संकुल के एक मेटल लिगेंड बॉन्ड को यदि तोड़ा जाए तो लिगेंड अणु का दूसरा सिरा धातु आयन के साथ ही बंधा रहेगा, और जिस सिरे वाले बंध को तोड़ा गया है वह पुनः धातु आयन के साथ बंध बनाने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, क्योंकि यह सिरा भी धातु आयन के निकट में ही है। जब एक दंती मेटल आयन के मेटल लिगेंड बॉन्ड को तोड़ते हैं तो जैसे ही लिगेंड का एक बॉन्ड तोड़ा जाता है वो विलयन में चला जाता है, वो उसके आसपास नहीं रहता, अच्छा अतः वो उससे जुड़ने के लिए तैयार नहीं रहेगा, तो उसका विघटन तो ईजी हो गया। और इस डेंटेट वाले का लिगेंड कीलेट का जो विघटन या तोड़ना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो वापस जुड़ने के लिए तैयार रहता है, अतः वो ज़्यादा स्थायी है। बिस इथिलीन डाईएमीन में इथिलीन डाईएमीन के साथ CON बॉन्ड तोड़ने पर, देखो डायग्राम में पूरा क्लियर बताया हुआ है कि इसमें तीन इथिलीन डाईएमीन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। इथिलीन डाईएमीन के मॉलिक्यूल में यदि आपने ऊपर वाले एक नाइट्रोजन वाले को हटा दिया कोबाल्ट से, तो उसका दूसरा सिरा कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है, दूसरा NH2 जो है वो फ्री वहीं पास में ही है, जैसे ही उसको ज़रा सी एनर्जी मिलती है वो कोबाल्ट के साथ वापस जुड़ जाएगा, किलेट वलय के आकार पर वापस जुड़ करके किलेट बना लेगा। किलेट प्रभाव का परिमाण किलेट वलय के आकार, किलेट वलयों की संख्या पर निर्भर करता है।
साधारणतः संतृप्त लिगेंडों द्वारा निर्मित पांच अवयवी कीलेट वलय वाले कीलेटों का असंतृप्त लिगेंडों द्वारा निर्मित छह अवयवी कीलेट वलयों की संकुल अधिक स्थायी होंगे। असंतृप्त और संतृप्त में कंपैरिजन करेंगे तो अनसेचुरेटेड ज़्यादा स्थायी होंगे। क्यों होंगे? ये अनसेचुरेटेड में क्या होता है, डबल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड के कारण उसमें पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग अनुनाद संरचनाएं दे करके एक क्लाउड के ऊपर चारों तरफ की स्टेबिलिटी और बढ़ा देते हैं। तो कीलेट की वजह से तो स्टेबिलिटी बढ़ी और डबल बॉन्ड की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ गई, अतः उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो उसके पास और ज़्यादा बन जाएगा, पूरी वलय के ऊपर फैल जाएगा, इससे अतिरिक्त स्थायित्व तो बढ़ जाएगा। तो ये सारा जो आपको समझा है दैट इज़ द संकुल निर्माण के लिए कीलेट वलय की संख्या बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो कीलेट इफेक्ट हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए स्टेबिलिटी बढ़ाने का काम करता है। अतः यदि किसी सॉल्यूशंस में इथिलीन डायमीन, अमोनिया, कोबाल्ट ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं तो इथिलीन डायमीन यदि बन जाता है दैट इज़ मोर स्टेबल, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, यानी जिनमें भी कीलेशन हो रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट में आपको आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ाएंगे। थैंक यू।